ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। तो आज हम घर में करने वाले हैं बारबेक्यू। वैसे मैं व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था, मैंने कहा चलो दिखाएं कैसे हमारे घर में कैसे होता है। तो सामान सारा वगैरह मैं ले आया हूँ, जो जिस पे बनाते हैं क्या कहते हैं उसे, आई थिंक गिटी कहते हैं, वो नहीं है। खैर उसका हम देसी आपको अपने देसी तरीके से बनाएंगे। इंटेल गार्लिंग साइड पे देखो ले बनाए, सारी चीज़ें मैं ले आया हूँ। और आज मैं बनाऊंगा, मैं मसाला मैं लगाऊंगा मसाला। और अभी मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं नीचे आ गया था तो मैं जलेबियाँ ले गया था, गर्मा गर्म जलेबियाँ, क्योंकि बार बहुत सर्दी दिल कर रहा था जलेबियाँ खाने को। तो अब भाई ये देखिए ये जलेबियाँ, इसको हम खा के चेक करते हैं। गर्म जलेबियाँ खैर बहुत अच्छी हैं, मज़े की लग रही हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ, जिसने मुझसे कुकिंग सीखनी हो मेरे पास आके क्लासेस ले सकता है फ्री में। पीछे मेरी बहन वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो ये देखिए हमारे पास इस वक्त है जी चिकन, लाल मिर्च, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये चिकन का मसाला। तो अब इसके अंदर लगेगा चिकन को, हम इसमें डालते हैं, इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च, नमक, नमक नहीं कौन सा नमक, वो जो सऊदी अरब से शायद आता है। अब कितना डाल देते हैं, तो अब हम ये सारा मसाला डाल देते हैं। अब आप आपको मिक्स करके मिलते हैं। तो जी मैं बाहर आया था रोटियां और कोक लेने, मैंने ले लिया वापस घर जा, वापस घर जा के मिलते हैं, बस पहुँचने वाला हूँ घर। तो जी फाइनली खाना हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें मैं बाहर कुछ चीज़ें लेने चले गया था, तो पीछे मामा जी ने रेडी कर दिया, आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो बहुत ही कमाल है यार, माशाल्लाह करते हैं माशाल्लाह। मामा जी से पूछते, मामा जी कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आप भी कैसा लगा आपको? अच्छा, ये सामने का बहुत अच्छा और वाकई में टेस्ट बहुत अच्छा बना। तो जी फाइनली खाना बना के खा के सब कुछ करके फारिग हो चुके हैं। खाना बहुत अच्छा बना था, सारों ने बहुत तारीफ की कि खाना वाकई में बहुत अच्छा और वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्ट था खाने का। तो अब रात के सिर्फ 12 बज रहे हैं, करने को कुछ है नहीं, मैं छत पे आ गया हूँ फारिग बैठ, वैसे बोर हो रहा था नीचे बैठा, इस वक्त ना 12 बज गए रात के। हाँ जी 12 बज गए। तो मुझे प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, पौधों का, शायद आपको हो या ना हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा, जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत खुशी होती है कि प्लांट्स कोई नया कोई फल लगा हो या कोई पत्ते निकल रहे हों या कोई फूल लगा हो, तो मुझे देख के बहुत खुशी होती है। तो वैसे भी सुबह सुबह उठ के अगर आप पौधों को देखें, ग्रीनरी देखें, तो आपकी एक तो नज़र अच्छी रहती है, आपके एक माइंड फ्रेश हो जाता है सुबह सुबह। तो आपको मैं सुबह दिखाऊँगा, मैंने ज़मीन पर छोटे से खेत बनाए हुए हैं। और आपको किस चीज़ का शौक है आप भी कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे तो प्लांट्स का ज़्यादा शौक़ है और एनिमल्स का भी शौक़ है। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, नीचे चलते हैं और आपसे सुबह मुलाकात होती है। तो जी गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है, तो सर भी आने वाले हैं, आज फ्राइडे भी है, सर भी आने वाले, सर से ट्यूशन पढ़ के फिर जुम्मे की तैयारी करते हैं
आप राजकुमार ने कहा था कि मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाऊंगा, तो प्लांट्स भी दिखाते हैं। चल बस जो मैं तैयारी करते हैं, वो मेरा व्लॉग देखा जा रहा है। तो जी फाइनली जुम्मे के लिए रेडी हो चुके हैं, सर से भी पढ़ लिया है हमने। ये देखिए मेरा छोटा भाई इधर हसन, इसका नाम हसन मजीद है। और अब हम गा लेते थे खुशबूल गा लेते हैं। तो जी आप चलते हैं मस्जिद जुम्मा पढ़ने, और जाकर आपको मिलते हैं और आके दिखाता हूँ आपको। तो जी फाइनली जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं मैं और हसन, पापा जी भी आ रहे हैं, पास ही घर के पास मस्जिद है। तो जी फाइनली जुमा पढ़ लिया, खाना भी खा लिया, सब फारिग हो चुके हैं। बाप सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ शॉर्मे लेने घर वालों के, छोटी सिस्टर ने खाने थे, बस उधर पहुँच। तो जी खाना आ गया, अपना खाते हैं शॉर्मा खाते हैं। तो जी वो जिस दिन मैं कटिंग करवाने गया था, उस दिन मैंने आपको बताया था मेरा एक दोस्त कामिल शहजाद, वो देखा वो छुप के बाहर मेरे से श्रिंक पीने आया है, ठीक है। उसने नीचे मुझे कटिंग का कह रहा, मैं उतर और भाग गया। देखिए आज मैंने इसे पकड़ लिया, मेरे से श्रिंक पीने आया था। इधर इधर आके बोलो ना सबके सामने, इधर हेलो। ये है जी वो मैदान। गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो रात में सो गया था, सुबह हो चुकी नाश्ता, नाश्ता साग चाय और रोटी। साग मुझे बहुत ही पसंद है, वैसे मेरी मामा बनाती है बहुत अच्छा। आपको नाश्ता करके खाते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा बना माशाल्लाह, बहुत जायकेदार। मैं पीता नहीं, लेकिन पापा कहते हैं मेरा चाय पिया करो। तो पापा जी कहते हैं तो फिर चाय तो पीनी पड़ेगी ना, रोज़ इसे पिलाते भी हैं, तो पीते हैं चाय जी, चाय पीते हैं। बहुत अच्छी चाय है, वाकई में अच्छी है। अब शाम हो चुकी है सुबह से, और कुछ आज करने को था नहीं, दिखाने को था नहीं। तब हमारे पास खाना आ चुका है, आप कह रहे हैं खाते ही रहते हैं वक्त। खाने में दाल चावल खा के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे बने हैं जी। हम इधर मैच खेलने आए हैं जी ग्राउंड में, सुबह फजर टाइम पे मैच शुरू हुआ है। चोट पहले ही लग गई मेरे, अभी बैटिंग पे जाऊंगा, आपको दिखाता हूँ मैं। बैटिंग का आदमी डबल डबल। तो जी खेल के हम आ गए थे, आप आ गए खाना खाना खाते हैं।
चिकन का साल में ना एक बार इसको रिपेयरिंग वाले पे भेज के देखेंगे कि कितना चेक करते हैं। गाड़ी 73% डैमेज हो चुकी है। मैंने ना यार एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। गाड़ी 73% डैमेज है और अभी अगर गाड़ी शोरूम के अंदर नहीं जाएगी तो मैं उसको बेचूंगा कैसे भाई? मुझे अब रिपेयर करानी ही पड़ेगी चलाने के लिए। मतलब देखो ना, जैसे मैं गाड़ी में